तो हाँ जी, आई है न्यू वीडियो के साथ। एंड यस, आज भी वैसा ही टॉपिक है जिसके बारे में बोलना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, जो हर एक इंसान के माइंड में आया होगा अब तक, जो कि है 500 रुपए में ब्लूटूथ ईयरफोन लेना। हालांकि उसको लेना नहीं चाहिए, बट क्यों नहीं लेना चाहिए, प्रैक्टिकल पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा, जैसे कि मैं हर बार करता हूँ, ना कि वही घिसी पीटी बातें करूंगा कि लाइक क्वालिटी नहीं होती वगैरह वगैरह। मुझे पता है हर एक इंसान के माइंड में एक सवाल आया होगा कि क्या यार 500 में ही ले लूँ या फिर महंगा बजट की क्या ही जरूरत। तो ये थिंकिंग थी मेरी 2016 के अराउंड 17 के अराउंड, एंड 2022 में मैंने सच में ट्राई करे इस 500 में क्या हमें देखने को मिलता है। एंड जो लोग इसको यूज करते हैं उनके लिए भी है थोड़ा सा लाइक सीधी बात, वीडियो को लास्ट तक देखना है एंड आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे एक निक बैंड जो कि आता है 500 रुपए में। एंड मेरा एक्सपीरियंस कैसा है, क्या आपको इसको बाय करना चाहिए, नहीं करना चाहिए एक्चुअली, बट एक अगर इसको बाय नहीं करना चाहिए तो फिर क्या बाय करें, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लास्ट तक आपको क्लियर कट सा आंसर दे दूंगा। तो स्टार्ट करता हूँ सिंपल से, लाइक निक बैंड क्या होता है, एक ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट होता है हमारे डिवाइस में, उसमें होती है बैटरी, ड्राइवर्स जो कि स्पीकर्स है, एंड एक बॉडी उसकी, इतना ही होता है। बट महंगे एयरफोन्स में भी तो यही होता है, बट वो महंगे क्यों होती है आपको पता होगा, बिल्ड क्वालिटी मैटर करती है, लाइक सॉफ्टवेयर मटेरियल कौन सा यूज़ हो रहा है, निक बैंड कैसा है। ये वाला जो है बहुत ही हार्ड है, बट अगर हम ब्रांडेड लेंगे तो इसमें बहुत स्मूथ आता है, इसमें बहुत सारे टाइप्स आते हैं, अलग अलग मटेरियल आता है, कम्फर्ट फील कराता है, बट इसमें ऐसा नहीं है। मैंने बुलाई थी वन प्लस की कॉफ़ी, एंड मुझे वन प्लस की कॉपी मिली, तो मुझे सिर्फ वन प्लस के ए वाली जो कॉपी है ये मिली, बाकी ये तो बिल्कुल नॉन वन प्लस वाली बात हुई। एंड यस, कंफर्ट बिल्कुल 0%, कुछ भी कंफर्टेबल नहीं है, एक कान में सही से बैठे हैं, एक कान में कभी भी सही से बैठे ही नहीं अभी तक। बैटरी बैकअप 40 आवर्स क्लेम करा था भाई, एंड मिलता कितना है, बस 10 आवर के अराउंड, उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना। अब बात करेंगे कि ऑनलाइन तो बहुत सारे दिखते हैं, लाइक अरोमा है, टेक कुछ करके कंपनीज है, उस पर भी बात करूंगा। लाइक मेरे पास लैपटॉप मैंने लेके रखा है आज, सब कुछ खुलासा कर डालेंगे। ये प्लास्टिक चीप क्वालिटी का है, ऑफकोर्स 500 में नहीं मिल सकता, ये तो ठीक है, बट इसके जो वायर्स है मैंने चेंज करे है खुद से, बिकॉज इसमें आए थे रेड कलर और उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया 5 दिनों में ही, लाइक 500 के है और 5 दिन ही चलेंगे। उसके बाद जो बड्स है ये भी सही नहीं है, इसका मटेरियल ठीक है, लाइक मैं कहूँगा लुक वाइज तो बिल्कुल वन प्लस लगता है, सिर्फ इतना ही पार्ट, बट मैं कहूँगा भाई मत जाओ इसके साथ, फिटिंग बहुत घटिया है इसकी। बात कर लेते हैं बैटरी बैकअप, जो मैंने कहा 10 आवर्स के ऊपर नहीं जाते हैं, एंड यस 10 आवर्स के ऊपर आप एक्सपेक्ट मत करना। हालांकि इसको मैंने खोल के देखा है तो 240 mAh की बैटरी है इसमें, जिसका बैटरी बैकअप बहुत अच्छा होना चाहिए, बट नहीं देता है, बिकॉज इसका जो चिपसेट है सस्ती वाली है, ज़्यादा पावर कंजम्पशन करती है उसके हिसाब से। तो ऑडियो क्वालिटी की बात कर लेते हैं, ऑडियो क्वालिटी बहुत ही घटिया कहूँगा मैं, लाइक अगर आप 40 वाली ईयरफोन पता है आपको रोड पे मिलते हैं, बस वैसे ही क्वालिटी मिलेगी, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। बात ऐसी है कि 40 वाले जो मिलते हैं रोड पे, 20-40 जो भी है, वो जो है ना उसमें बेस कुछ भी नहीं होता, ट्रेबल्स होता है, एंड ऑडियो क्वालिटी लाइक वैसे ही होती है। तो वो जो क्वालिटी है वो आपको 500 में दे रहे हैं, बस यहाँ पे आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल रही है, एंड यस थोड़ा सा लुक लाइक गले में ऐड कर रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं मिलता। तो आई रिकमेंड इसको बाय ही मत करो भाई, अब 500 रुपये का बजट है, एंड अगर आप देख रहे हो 500 रुपये में ब्लूटूथ लेना चाहते हो, मैं रिकमेंड तो नहीं करता, बट स्टिल आप लेना चाहते हो तो एक सजेशन है कि लाइक आप एक तो सेकेंड हैंड ले लो, बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं जो टाइम टू टाइम चेंज करते हैं, उनके पास ब्रांडेड होते हैं वो बेच देते हैं, उसको आप प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि ब्रांडेड एट द एंड ब्रांडेड होते हैं, ज़्यादा लाइफ स्पैन होता है। उसके बाद सेकेंडरी ऑप्शन है कि मैं कहूँगा आप ऑफलाइन स्टोर्स में जाके देखो, बिकॉज अगर आपने देखा है जो हमें ऑनलाइन 100-150 में वायर्ड वाले मिल जाते हैं, ओके हमें ऑनलाइन 500 के मिल रहे हैं, ये बाहर आपको 250 तक ही मिल जाएंगे। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि ऑफलाइन में जाकर 500-600 तक अच्छे वाले ले लो, लाइक पीट्रॉन के आ जाते हैं, जेब्रोनिक्स के आ जाते हैं, ये जो सारी कंपनियां हैं जो थोड़ी नीचे है उनके आपको इस प्राइस सेगमेंट में मिल जाते हैं, बट ऑफलाइन में, ऑनलाइन में नहीं। स्क्रीन पे लेके चलता हूँ मैं आपको लैपटॉप के, एंड दिखा देता हूँ कैसा कुछ है। तो मैंने यहाँ पे 3 वेबसाइट ओपन करके रखी है, एक है मीशो जो कि सबसे ज़्यादा चीप क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है, उसके बाद है फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन। अब बात कर ले इस पर, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको दिख रहे होंगे एकदम पॉश TWS, स्टाइलिश, गुड लुकिंग, कलरफुल, सब कुछ जो भी दिख रहा है वो सब कुछ 555 में मिल रहा है, 481 भाई कैसे पॉसिबल है। अगर ओप्पो खुद 10-10 हज़ार के बनाता है, एप्पल खुद 21 हज़ार के एयरपॉड्स बनाता है, तो ये कैसे दे सकते हैं 500 में। इसको आप बाय करोगे बिल्कुल फंसने वाले हो, 5 दिन से ऊपर चलने वाले नहीं है। उसके बाद 120 रुपीज़ में आपको निक बैंड मिल रहा है ब्लूटूथ का, उसके बाद यहाँ पे बोट की कॉपी, ये तो सबसे मजेदार बात है, लाइक बोट रियल बोट दिख रहा है आपको, ब्रांडिंग भी वैसे की वैसे ही है, 405। अब आपको गया यार ये तो बिल्कुल बोट का ही है, मैंने इसको भी बुला के देखा है, एंड उसके जो यहाँ पे निक बैंड है, लाइक मैं बताना चाहूँगा ये जो है ए वाली क्वालिटी ये इतनी घटिया होती है कि अगर आप हाथ लगाओगे तो आप बोलोगे यार ये क्या है,
बहुत ही ज़्यादा घटिया, फिटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं होती एंड बेस्ट तो नहीं होता बिल्कुल, जो मैंने बता दिया। बैटरी बैकअप 6, 5 आवर, 2 आवर, 4 आवर इतना ही होता है, बस चार्जिंग पे लगाओ और यूज़ करो और फिर से लगाओ, बस ऐसा ही होता है। 405 में आपको कुछ नहीं मिलने वाला। उसके बाद अगर बात कर ले बाकी ईयरफोन्स की, देखो ये TWS दिख रहा है आपको, ये वाला TWS देख सकते हो आप, ये वाला TWS देख सकते हो आप, यहाँ पे 481 दिखा रहा है फ्री शिफ्टिंग वगैरह। क्या पॉसिबल है ऐसा? 2000 के ओप्पो एनको बर्ड्स है, अभी 1700 के मिलते हैं, मैंने 1500 में लिए थे, उसकी क्वालिटी बहुत बेहतरीन थी बट उसका भी लुक ऐसा नहीं था 481 में प्रोवाइड कर रहे, इम्पॉसिबल चीज़ है, पॉसिबल ही नहीं है। एंड ये आपको भी सिंपल सा सेंस अगर हम यूज़ करें तो पता चल जाता है। उसके बाद मीशो तो है ही इसके लिए बदनाम, बिकॉज ये तो सारी स्कैम लाइक की सभी चीज़ें मीशो पर ही होती है, सब स्कैम। ये फोन हम फ्लिपकार्ट देख लेते हैं, यहाँ पे टेक फायर करके कंपनी है ये, और यहाँ पे जो है अरोमा, अरोमा के बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं एंड मैं अरोमा को भी थोड़ा सा रिकमेंड कर सकता हूँ इस प्राइस सेगमेंट में अगर आपको लेना ही है, बिकॉज अरोमा के बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स अवेलेबल है फ्लिपकार्ट पे एंड या थोड़ा सा ट्रस्टेड है ऐसा कह सकता हूँ मैं, बिकॉज अदर कंपनीज के कंपेरिजन में। रही टेक फायर की, तो मेरे पास जो है ये टेक फायर के ही है एंड यहाँ पे जो है अलग ही ब्रांडिंग आई थी और सब घापले हो गए थे, मैंने फ्लिपकार्ट से ही बुला था इनको। उसके बाद यहाँ पे जो है बहुत सारे मैंने दिखाया आपको टेक फायर, ये देखो बोर्ड की यहाँ पे जो है कॉपी है एंड ये लाइक ओप्पो की तरह बनाया इन्होंने, बहुत सारे हैं एंड आप पॉसिबल ही कैसा है कि 429 में आपको 48 आवर का बैटरी बैकअप, 429 में 60 आवर का बैटरी बैकअप, पॉसिबल नहीं है। ये सारे के सारे स्कैम्स हैं जो आपके साथ हो रहे हैं एंड खुले आम हो रहे हैं एंड हम इसके शिकार हो जाते हैं बहुत लोग जिनका बजट इतना होता है। आंखें खोल दो, दिमाग खोल लो एंड अपना थोड़ा सा यूट्यूब भी खोल लो, यूट्यूब पे सर्च कर लिया करो पहले कुछ भी बाय करने से पहले एंड ये तो रिकमेंडेड नहीं है। एंड सबसे बेस्ट ऑडियो क्वालिटी चाहिए भाई, वायर्ड ले लो, 500 में अगर आप वायर्ड लोगे उससे बेटर कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। अमेजोन पे लेके चलते हो, आपको अमेजोन पे देख सकते हो यहाँ पे सारे के सारे जो है वायर्ड दिखा रहा है, तो ये अमेजोन का जो मुझे सही लगा थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए ए बी 449 में दिखा रहा है यहाँ पे, बट इसकी क्वालिटी 12 आवर इन्होंने बताया है, लाइक मुझे थोड़ा सा अमेजोन ठीक लगा इस बारे में, लाइक 12 आवर ही क्लेम करा इन्होंने एंड बाकी ठीक है, ये तो मुझे लगता है 449 पे वर्थ इट है, 12 आवर 5.0 एंड बिल्ड क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं लग रही फोटो में से ही, तो यस मैं कह सकता हूँ कि इन्होंने थोड़ा जेन्युइन रखा है। बट फ्लिपकार्ट पे आप फोटो देख सकते हो, इतना कैसे पॉसिबल है 500 रुपये में इतनी अच्छी क्वालिटी देना, एंड मीशो तो बिल्कुल धोखेबाज है, इस पर कभी भी ट्रस्ट मत करो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स के लिए, बाकी कुछ बाय कर सकते हो बट इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट नॉट रिकमेंडेड। इतनी शाइनी फिनिशिंग और 269 में 538 में पॉसिबल नहीं है, ये आपको भी समझ जाएगा। तो ऐसी सी बात है, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा इस प्राइस सेगमेंट में आपको सबसे ज़्यादा बच के रहना है, पैसे इन्वेस्ट नहीं करने किसी भी चीज़ पर। हाँ अब ऑप्शंस बता दूँ क्लियर कट वाले, जो कि आपको क्या बाय करना चाहिए। मैंने अरोमा कहा था, वो ठीक ठाक कंपनी है, लाइकवाइज मैंने सेम कहा था कि आप सेकंड हैंड देख सकते हो, बिल्कुल आपको मिलेंगे सेकंड हैंड, बहुत ज़्यादा बिकते हैं सेकंड हैंड भी, आपको अच्छे से ढूंढना होगा। उसके बाद आप ऑफलाइन स्टोर में चेक कर सकते हो, डेफिनेटली आपको ज़ेब्रोनिक्स, पेट्रॉन ये जो कंपनियाँ हैं, उसके बाद कुछ जियोनी वगैरह जो है उनके भी आपको मिल जाते हैं, एब्रॉन के मिल जाते हैं, ऑफलाइन में ये जो कंपनीज हैं ज़्यादा चल जाती है। अगर आपके पास कोई मार्केट है ऑफलाइन वाला, वहां पे आप एक बार चेक कर लेना। उसके बाद अगर आपको सिर्फ अच्छी ऑडियो क्वालिटी चाहिए एंड बजट 500 है, तो आई वुड रिकमेंड भाई छोड़ दो ब्लूटूथ को, छोड़ दो आप वायर्ड वाले के साथ जाओ, आपको बेस्ट क्वालिटी मिलेगी। मेरे पास हेडफोन है जो मैं वायर्ड यूज करता हूं, बिकॉज मुझे अच्छी क्वालिटी चाहिए, मैंने ब्लूटूथ को अवॉइड करा एंड वायर्ड वाले लिए बिकॉज मुझे क्वालिटी चाहिए। एंड जो TWS है वो मेरे कॉलिंग फीचर के लिए मैं यूज करता हूं, बट हाँ मुझे जहाँ पे क्वालिटी चाहिए मैं वीडियो एडिटिंग के लिए उन हेडफोन्स को यूज़ करता हूँ, तो मैंने वायर्ड वाले प्रेफर करे। तो मैं वही कहूँगा ऑडियो क्वालिटी की बहुत ज़्यादा समझ है, या फिर आपको सिर्फ ऑडियो क्वालिटी चाहिए, बहुत सही बेस, बिल्कुल सब कुछ स्टेबल वगैरह सब कुछ सही चाहिए, वायर्ड वालों के साथ जाओ, 500 में आप ब्लूटूथ कंसिडर ही मत करो। एंड बाकी आपको लेना ही है तो मैंने आपको ऑप्शन बता दिए। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर एंड ऐसे ही क्रिस्टल क्लियर आंसर्स और वैल्यूएबल कंटेंट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड यस रेगुलर वीडियो नहीं आ रही मुझे पता है, बट जल्दी से कंटिन्यू हो जाऊंगा बिकॉज मेरे सेमेस्टर एग्जाम शुरू है अभी, तो हाँ आएगी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड, मिलूंगा जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।